हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू होम स्पेशलिस्ट। आप सब कैसे हो? देखिए, मैं पानी भर रही हूँ क्योंकि अंदर का पानी चेंज करना है मुर्गियों का, और ये थोड़ा सा खाना मैंने बाहर डाल दिया है और बाकी खाना मैं अंदर डालूँगी क्योंकि मौसम मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ घटासी हो रखी है, बारिश भी हो सकती है तो इसलिए, और बाकी खाना मैंने अंदर ही डाला है। और छत भी गंदी हुई है, ये रोज़ गंदी कर देते हैं, रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं कि भाई आज साफ़ कर दी तो कल साफ़ नहीं करनी है, रोज़ ही करना होता है सफाई। और आप सोचते होंगे रोज़ ही कहती हूँ छत साफ़ करनी है, छत साफ़ रोज़ ही करनी होती है, जैसे कि पानी रोज़ चेंज करना होता है, छत भी रोज़ धोनी होती है क्योंकि बाहर तो अब ज़्यादा निकलती हैं, सुबह शाम के टाइम निकलते हैं तो वहाँ पोटी कर आती हैं। पानी मैंने इनका चेंज कर दिया है और थोड़ा सा खाना भी अंदर डालना है। ये देखिए, मैंने खाना अंदर डाल दिया है। ये जो मुर्गी है ना, ये वाली टेढ़ी चोंच वाली, बड़ी मतलब बस क्या बताऊँ, अंडे वंडे ये देती नहीं है। और देखिए, इसका फिगर भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, सबके पंख उतर गए हैं और सबकी कंडीशन बकवास सी हो गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना फ्रेंड्स, इसलिए इतना हो रखा है इनका। पता नहीं खुद ही नोच लेती है अपने पंख गर्मी से बचने के लिए या अपने आप से उतरे, पता नहीं। देखिए, इसकी भी ट्राई करने लगता है। छोटा सा है मुर्गा, छोटा मुर्गा है सबसे, और ये उससे बड़ा था। और इसके जो पैर थे ना, थोड़े ख़राब हो गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ था, फिर अपने आप से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब चलने लगा है, धीरे धीरे चलने लगा है, या तो शायद इसके जल ही गए होंगे, जख्म हो गए होंगे, पता ही नहीं। एक कमेंट्स में एक सर ने कहा था कि इसके पैर जल गए हैं, तो मुझे भी शायद ऐसे लगता है कि जल गए हैं शायद इसके पैर, अब चलने लगा है, ठीक हो गए। अगर हड्डी टूटती तो फिर चल नहीं पाता है ना। देखिए, अब इसे मतलब एक वो हमारा काला मुर्गा था राजू, वो तो ख़त्म हो गया। अब फिर सेकंड नंबर पे ये बड़ा था और सबसे छोटा वाला वो था। लेकिन देखिए, इसकी ना लॉटरी लग गई फ्री फंड में। अब राजू मुर्गा तो मर गया और ये इसके पैर, इसके पंजों में कुछ हो गया, पता नहीं जल गए धूप से, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे अब तक पता ही नहीं चला इसका, बट ये ठीक होने लग रहा है धीरे धीरे। और ये बचा पौवा छोटे वाला, अब इसने सारी मुर्गियों को अपने अपने अंडर में ले लिया है कि ये सब उसकी पत्नियां बन गई हैं, ये ऐसा चाहता है। और कोई दूसरा मुर्गा या हैवी वाला मुर्गा ना आए तो, अगर ये परेशान है वाला मुर्गा तो इसे पीटता रहता है, पीटता रहता है। बताइए जरा, देखिए जरा, जहाँ ये मुर्गी के पास आया और ये इसके पीछे पड़ जाता है, और वो बेचारा परेशान है, ये उसकी पहले से ही पैरों में, इसके पंजों में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक हो गया ना, तेरी चटनी बना देगा वो। तो अब देखिए, अब इन मुर्गियों के पास बैठेगा और खाना खाएगा। और ये जो मुर्गी है ना मेरी टेढ़ी चोंच वाली, मैं इससे शुरू से परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। इतना अधिक ये खाती है ना, कितना भी खाना डालो ये वाली मुर्गी, इसकी थोड़ी सी चोंच टेढ़ी है और बहुत ज़्यादा सियानी मुर्गी है ये। मुझे क्या लगता है कि जैसे कि ये यहाँ की क्वीन है और पहले ये खाएगी और सब पे ये हुकूमत चलाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब मुर्गी को मारती रहती है ये और सब मुर्गी इससे थोड़ी थोड़ी डरती हैं। अब देखिए, अब तो प्यार से साथ में खा रही है, वरना ये अंदर बैठ जाती है और सारा खाना पंजों से गिरा देती है। तो ये मुर्गी मुझे पसंद नहीं, एक तो ये खाना बहुत ज़्यादा खाती है और फिर सबको मारती रहती है, और इतनी कमी नहीं है ना, कितना ही भगा लो वही करना जो उसे करना है, सुनती भी नहीं मेरा कहना। और ये हमारी बत्तख रानी, ये भी पागल हो गई है, बत्तख रानी नहीं है, बत्तख राजा, नीचे जाती ही नहीं है अभी मेरे साथ, ऊपर ही रहती है। और अब इनके साथ ही रहती है मुर्गियों साथ में, कि चल छोड़ो अपनी लाइफ जी ले तू सिमरन। देखिए, अब दोनों अपने दोनों पंजों पर खड़ा है ना, खड़ा है ना अभी वाला, गंदा हो गया, ऐसे भी नहीं लाऊंगी। एक बार और नहीं लाया था मैंने इसे, तो सफाई कर दी थी अच्छे से धो के, मुझे लगता था मैं इसे पकड़ूंगी ये तो मुझे काट लेगा, लेकिन इसने काटा नहीं। और ये मुर्गी अंडे पे अंडे देने के लिए बैठी है, ये अंडे देगी देखिए, और कैसे हाफ रही है। गर्मी तो है, गर्मी पता नहीं कैसी अजीब सी गर्मी है, मतलब दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तब मैं अजमेर शरीफ में थी, मुझे नहीं पता कितनी तेज़ हुई, लेकिन सुना है बहुत तेज़ बारिश हुई, तब से इतनी गर्मी बढ़ गई है। एक तो गर्मी होती है, एक वो वाली गर्मी होती है ना जैसे कि भाप उड़ रही है, वाष्पोत्सर्जन प्रतिक्रिया हो रही है, यानी कि ज़मीन का पानी भाप के रूप में उड़ के आसमान में जा रहा है।
तो उसके बीच में हम फंसे, हम पृथ्वीवासी समझ रहे ना। बारिश हुई तो सूरज निकलेगा तो वो भाप उड़ेगी ना, जो ज़मीन से भाप उड़ती है तो वो आसमान में जा रही है और पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो हमें फील होती है वो। तो वो गर्मी अजीब सी है, ये 24 घंटे पंखे में रहो या फिर कूलर एसी में रहो तो ठीक, जहाँ आप थोड़ा सा बाहर निकले अजीब सी गर्मी है। पता नहीं आप समझ सकते हो, आप भी हो इंडिया में ही, कि कौन सी डिज़ाइन की वो गर्मी है। तो वेदर में कुछ हो रहा है। और यहाँ पे आज मैडमों ने यहाँ पे अंडे दिए, कितने, 4 अंडे, चलो बढ़िया है 4 अंडे, एक वो बैठी है, एक 5 हो जाएंगे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे अंडे दे देती हैं ज़्यादा मात्रा में, मुंड के ऊपर बात है इनके, और कभी कभी देती ही नहीं है, एक दो ही देती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं। तो इतना अंडे है मतलब दे रही हैं अंडे, फ्रिज में रखे हैं, तो जो कोई सेल कोई लेने आता है तो मैं सेल भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर घर में इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अब ज़्यादा मुर्गी मात्रा में रही नहीं, थोड़ी सी तो मुर्गियाँ ही हैं, तो इसलिए तो अगर कोई लेना आएगा तो मैं दे दूँगी, वरना खा लेते हैं गर्मी हम लोग। अब वैसे गर्मी में कम ही बिक रहे हैं अंडे, बहुत कम बिक रहे हैं, ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है ना इसलिए। और मुझे नहीं लगता कि देसी मुर्गे मुर्गियाँ भी बिक रही होंगी, लेकिन एक मैडम आई थी मुझसे कह रही थी कि एक मुर्गा दे दो, पता नहीं मैं क्यों, अच्छा ही है हमें, मगर मेरे पास तो वैसे ही नहीं है, मैं आपको कहाँ से दे दूँ। तो उन्हें मुर्गा चाहिए था और मुर्गे मेरे पास ऐसे है नहीं, मैं विंडो से देख रही हूँ कि देखूँ मेरी बत्तख खाना खा रही है कि नहीं खा रही, लेकिन बत्तख खाना नहीं खा रही है, जाली में से देख रही हूँ मैं, और साइड में ही खड़ी है, उसकी पकड़नी पड़ेगी ही पिटाई। ये पानी आगे से इसलिए गीला हो गया, जब मैं पानी चेंज करती हूँ ना तो बिखर जाता है यहाँ पे थोड़ा बहुत, और कुछ रेत में डालते हैं ना पानी तो उस इधर फैल जाता है इधर साइड आके। चलिए कोई नहीं, कुछ दिन की और बात है, फिर तो गर्मी चली जाएंगी, थोड़ा थोड़ा गुलाबी मौसम हो जाएगा, फिर रेत हटा देंगे, सफाई कर देंगे यहाँ की। लेकिन देखिए सफाई तो देखी जाएगी, पहले जान बच जाए, बस यही फार्मूला है कि पहले कैसे ना कैसे इनकी जान बच जाए गर्मी से। और ये बहुत परफेक्ट आइडिया, देखिए इसी पे खड़े रहेंगे, ऐसे गीला कर देती हूँ ना मैं तो इसी पे खड़े रहते हैं। और हमारे 4 इडियट्स, 4 इडियट वो उधर साइड कुर्सियों के नीचे बैठे हैं, खरगोशों ने और नया डिजाइन पाल लिया है, पिंजरे के नीचे घुसे रहते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, तीनों खरगोश गायब, पहले तो रेत पे बैठे रहते थे, अब वो पिंजरे के नीचे रहते हैं, उन्होंने अपना वहीं पर गुफा सी बना रखी है, खरगोश वहाँ रहते हैं और मुर्गियाँ मेरी इधर देखे रेत पे बैठे रहते हैं सारे दिन, उन्हें ठंडा ठंडा लगता है। और ये एक मैडम अंडे देगी और बैठी है नहीं तो कोई बात नहीं, अपना आपसे दे देगी अंडे। अब अंडे ये 4 अंडे थे, और फिर वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद मैं 1 बजे फिर आई थी, और मैंने जब अंडे उठाए तो 4 फिर मिले, यानी कि 8 अंडे आज तकरीबन इन्होंने दिए, तो काफ़ी हैं 8 अंडे, मुर्गी भी तो मात्रा थोड़ी सी ही है तो काफ़ी हैं 8 अंडे मेरे हिसाब से, तो और भी बढ़ सकते हैं। कड़कनाथ की मुर्गी है, पता नहीं कब अंडे देती हैं कब नहीं, इनका तो पता ही नहीं चल रहा आजकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कड़कनाथ की मुर्गी अंडे इसलिए नहीं दे पा रही हैं क्योंकि इनका मुर्गा नहीं है, पहले कड़कनाथ का मुर्गा था ना तो ये अंडे टाइम से देती थी, तो खा भी खुद ही लेती थी, लेकिन अब तो पता ही नहीं इनके अंडे कब होते हैं, कब देती हैं कब नहीं, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता। देखते हैं, डालनी तो पड़ेंगी कुछ ना कुछ ब्रीड, अगर कड़कनाथ के मुर्गे की मैं इसमें लेकर डालूं ब्रीड तो फिर यहाँ बिकेंगे नहीं उस प्राइस से, या वाइट मुर्गे या फिर देसी मुर्गे ज़्यादा सकते हैं, लेकिन कड़कनाथ का मुर्गा थोड़ा महंगा होता है तो नहीं बिकेंगे हमारी साइड इस इलाके में, तो इसलिए वही रखें जो बिके।